आज के इस वीडियो में हम मोहब्बत का शरबत बनाने का तरीका देखने वाले हैं। ये जो शरबत है ये इतना टेस्टी और रिफ्रेशिंग होता है जिसे पीने के बाद में हर किसी को इस शरबत के साथ मोहब्बत हो जाती है और इसी के वजह से ही इसका नाम मोहब्बत का शरबत रखा गया है। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में यहाँ पर आइस क्यूब्स डालेंगे। बहुत सारी हमने आइस क्यूब्स का यूज़ किया है और अब हम इसमें ये फुल फैट क्रीम दूध डालेंगे। मैंने यहाँ पे सरस का दूध लिया है, आप अमूल का या किसी भी ब्रांड का दूध ले सकते हैं। इसे उबालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे कच्चा ही डाल सकते हैं या फिर आप उबला हुआ ठंडा दूध का यूज़ भी कर सकते हैं। और ये देखिए अब हम यहाँ पे इसमें रूह अफ़ज़ा डालेंगे। आप रोज सिरप का यूज़ भी कर सकते हैं लेकिन रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप रूह अफ़ज़ा का ही यूज़ करें। और इसे डाल करके हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको फ्लेवर कम लगता है तो आप रूह अफ़ज़ा और मिला सकते हैं, या फिर आपको चीनी कम लगती है तो आप किसी भी चीनी का इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रूह अफ़ज़ा में ऑलरेडी इतना मीठा होता है कि आपको किसी भी चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देख सकते हैं आप इसमें कितना प्यारा कलर आ गया है। और अब हम यहाँ पर इसमें वाटरमेलन डालेंगे यानी तरबूज डालेंगे। इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में इस तरीके से कट करते हुए डालेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े रखने हैं हमें इसके, क्योंकि जब हम इसे पीते हैं तो इसके जो बारीक बारीक टुकड़े होते हैं उनसे इसका जो स्वाद होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप तरबूज के टुकड़े बड़े रखते हैं तो आपको इस शरबत को पीने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो आप इसके जितने बारीक टुकड़े कर सकते हैं उतने आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करें, और बिल्कुल इसी तरीके से आप इसके टुकड़े करें। और ये जो तरबूज है इसका हम सिर्फ रेड वाला पार्ट ही कट करके डालेंगे, वाइट वाला पार्ट हम बिल्कुल कट करके नहीं डालेंगे इसमें। तो देखिए इस तरीके से हम 3 से 4 तरबूज के स्लाइस को बारीक बारीक टुकड़ों में कट करके डाल देंगे। देखिए हमने इसे कट करके अच्छे से डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में ये मोहब्बत का शरबत बनकर के तैयार हो चुका है और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है, कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो इस मोहब्बत के शरबत को आप भी एक बार घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप भी इसे एक बार पियेंगे तो आपको भी इस शरबत से मोहब्बत हो जाएगी। अगर आप ईद के दिनों में रोज़ा रखते हैं तो ये आपके इफ्तार के लिए भी बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं, अपने घर में बना कर एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये मोहब्बत का शरबत बनाने का तरीका पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।